नमस्कार, आपका बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन प्रारंभ किया था, जिसमें अपन ने वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और रंध्रों के आधार पर या रंध्रों के वितरण के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में डिस्कस किया था। और अगला जो आज का टॉपिक है अपना, वो है रंध्र की संरचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। जो रंध्र की संरचना है, सबसे पहले बात करते हैं रंध्र या स्टोमेटा। स्टोमेटा, इसका अर्थ होता है माउथ। स्टोमेटा कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? माउथ। स्टोमेटा या रंध्र कहां पाया जाता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जिसको क्या कहा जाता है? बाह्य त्वचा, या इसको क्या बोलते हैं? अधिचर्म। यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर में जो अपने स्टोमेटा होते हैं, प्रत्येक स्टोमेटा दो वर्गाकार कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ होता है, जिनको गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। अपन इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये है स्टोमेटा या रंध्र। इसके दोनों तरफ यहां जो ये कोशिकाएं, ये कहलाती है गार्ड सेल या रक्षक कोशिका। इस रक्षक कोशिका या गार्ड सेल की जो भीतरी जो दीवार होती है, जो भीतरी सेल वाल होती है, जो कि स्टोमेटा में रंध्र की तरफ वाली होती है, वो तो कैसी होती है? मोटी होती है। और जो बाहर वाली दीवार होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो कैसी होती है? पतली होती है। इसी रक्षक कोशिका में जो गार्ड सेल होती है, इसी में क्या रहते हैं? छोटे छोटे प्रकार के क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक पाए जाते हैं, जिनका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। इसी में क्या पाई जाती है? एक बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती है। और इन रक्षक कोशिकाओं के जो बाहर की साइड जो सेल्स पाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका या सब्सिडियरी सेल्स। तो अपने मुख्य रूप से जो रंध्र की संरचना है, उसमें प्रत्येक रंध्र के जो दोनों तरफ है, चारों तरफ क्या होती है? कोशिकाएं पाई जाती है, दो कोशिकाएं होती है, उनको क्या कहा जाता है? रक्षक कोशिका या गार्ड सेल। इस गार्ड सेल की जो दो दीवारें होती है, एक दीवार जो भीतर की तरफ होती है अर्थात रंध्र की तरफ होती है, वो तो कैसी होती है? मोटी होती है। और जो बाहर की दीवार होती है, वो कैसी होती है? पतली होती है। यदि इसकी संरचना की बात की जाए, रक्षक कोशिका या गार्ड सेल की, तो इनकी संरचना मोनोकोट प्लांट, मोनोकोट प्लांट में कैसी होती है और डाइकोट प्लांट में कैसी होती है? मोनोकोट में तो कैसी होती है? डंबल शेप की, डंबल शेप। और डाइकोट में होती है बीम शेप। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये न्यूट्राइब के लिए। एक बीज पत्री पादपों में जो रक्षक कोशिका होती है, उसकी संरचना कैसी होती है? डंबल शेप की। और जो द्विबीज पत्री पादप होते हैं, उनमें कैसी होती है? बीन शेप की संरचना में पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स। इस रक्षक कोशिका के आधार पर, यानी इसके स्फीति अवस्था में या स्लग अवस्था के कारण ही क्या होता है? रंध्र खुलता और बंद होता है। जब पानी का अवशोषण होता है या इस रक्षक कोशिका में पानी का प्रवेश होता है, तब क्या होती है? जो भीतरी दीवार है, जो क्या होती है? मोटी होती है। और जो बाहरी दीवार होती है, बाहरी भित्ति होती है, वो क्या होती है? पतली होती है। पानी के प्रवेश के कारण जो बाहरी भित्ति होती है, पतली होती है, वो बाहर की साइड में जिस धीरे धीरे क्या होती है? बाहर की तरफ बढ़ती है, जिसके कारण क्या होती है? ये स्फीति अवस्था में खिंच जाती है।
और जो मोटी दीवार होती है वो भी क्या होती है बाहर की तरफ आती है, उसके कारण क्या होते हैं रंध्र खुल जाते हैं। जैसे स्लथ अवस्था में प्रेस्ड अवस्था में यानी चिपकी हुई अवस्था में पहुंचती है तो ये दीवार क्या होती है धीरे धीरे अंदर की तरफ जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं रंध्र वापिस पुनः से बंद हो जाते हैं। तो पानी के प्रवेश करने के आधार पर क्या होगा रक्षक कोशिकाओं के द्वारा रंध्र ओपन और क्लोज होता है, अर्थात तो रंध्र खुलना और बंद होना किसके ऊपर डिपेंड रहता है जो द्वार कोशिकाएं उनकी स्थिति के ऊपर है। रंध्र खुला हुआ कब रहेगा स्फीति या टर्जिड अवस्था में, रंध्र बंद स्लथ या प्लेसिड अवस्था में। अर्थात यदि अपन इसकी बात करें तो जब पानी का प्रवेश होता है तब क्या होता है जो रक्षक कोशिकाएं होती है जिसकी बाहरी मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है क्या होती है पतली होती है, जिसके कारण जैसे इसमें पानी प्रवेश करता पतली होने के कारण ये बाहर की तरफ खिंच जाती है और इसी के साथ साथ में जो अंदर की जो भीतरी दीवार होती है जो मोटी होती है वो भी कुछ मात्रा में क्या होती है बाहर की तरफ खिंच जाती है, जिसके कारण क्या होता है रंध्र खुल जाता है। इसके विपरीत जब स्लथ अवस्था में होती प्लेसिड अवस्था में होती पानी की कमी होती है तब क्या होती है जो बाहरी जो भीतरी जो बाहरी दीवार होती है वो क्या होती है धीरे धीरे अंदर की तरफ खिंचती है और इसी के कारण क्या होता है जो भीतरी दीवार होती है ये भी क्या होता है अंदर की तरफ खिंचती है, जिसके कारण क्या होता है रंध्र वापिस बंद हो जाता है। जैसे अपन इस ये तो है अपने बंद अवस्था में जो रंध्र की संरचना का है वो चित्र है और ये है खुली हुई अवस्था में। यदि जैसे इसमें धीरे धीरे पानी प्रवेश करेगा तो जो बाहरी दीवार है ये भी क्या होगी बाहर की तरफ खिंचाव करेगी और इसी के कारण धीरे धीरे जो अंदर की दीवार है वो भी क्या करती है बाहर की तरफ खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह दूसरी साइड में बात करें तो जो बाहर की दीवार है ये भी क्या होगी बाहर की तरफ खिंचाव होगा इसमें भी, और जो भीतरी दीवार है इसमें भी क्या होगा बाहर की तरफ खिंचाव होगा, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा रंध्र खुल जाएगा यहाँ से। तो इस क्रिया के आधार पर क्या होता है रंध्र खुलता और बंद होता रहता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें यदि न्यू टाइप की बात करें अपन सबसे पहले रंध्र की संरचना, रंध्र का अर्थ क्या होता है स्टोमेटा का अर्थ क्या होता है माउथ, स्टोमेटा कहां पाए जाते हैं एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा पे। फिर आता है अपने मोनोकोट या एक बीजपत्री में रक्षक कोशिकाएं कैसी होती है डंबल आकृति की होती है और द्विबीजपत्री पादपों में कैसी होती है बीन शेप की होती है। रंध्र कौन सी अवस्था में खुलते हैं स्फीति अवस्था में तो खुले हुए रहते हैं और स्लथ अवस्था में रंध्र हमेशा बंद रहते हैं। यदि अपन रंध्रों की बात करें कि रंध्र कौन सी सतह में अधिक पाए जाते हैं तो अपने पास दो प्रकार की एपिडर्मिस होती है, एक जैसे ये लीफ पत्ती है एक तो होती है ऊपरी सतह और एक होती है निचली सतह जिनको क्या कहा जाता है एपिडर्मिस या अधिचर्म या बाह्य त्वचा। तो जो लोअर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस में रंध्रों की संख्या अधिक पाई जाती है क्योंकि जो निचली सतह होती है ये कम प्रकाश मिल पाता है यानी ये अधिक छाया में रहता है, जिसके कारण क्या होता है इनमें रंध्रों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो ये है अपने रंध्र की संरचना जिसमें अपने ये है डायग्राम, ये है खुला हुआ और ये है बंद प्रकार का। इसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे रंध्र की क्रिया विधि कि रंध्र कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं, जिसके अलग अलग प्रकार के नियम हैं।